हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है और खुशखबरी है, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईसीएमआर जीआरएफ की एस्पायरेंट्स हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम जिस भी स्टूडेंट्स ने दिया था, जो 12 सितंबर को हुआ था, जो इस बार पेपर बहुत ही ईजी आया था और पैटर्न एक अलग सा ही पैटर्न आया था, और मुझे उम्मीद है कि जिस भी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया होगा उनका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि जो भी एगरली वेट कर रहे थे रिजल्ट का, जो रिजल्ट में प्रीवियस ईयर की पैटर्न के हिसाब से देखें तो इस बार बहुत ही ज्यादा लेट हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की पैटर्न के हिसाब से देखें तो अंडर 45 डेज रिजल्ट आउट होता था, तो इस बार अबो 45 डेज के बाद रिजल्ट आउट हो चुका है। उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, ठीक है, और कट ऑफ भी आ चुका है, अनरिजर्वड से लेके लोअर कास्ट तक का अलग अलग कट ऑफ हो चुका है, और जिस कट ऑफ में जो भी स्टूडेंट्स फॉल हुआ है उनका नाम जो है इस लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों का जो आंसर की के हिसाब से परसेंटेज बन रहा था आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों का कट ऑफ भी यहीं पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे जो नाम जो है मेंशन किया हुआ है और रोल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप अपने नाम के जरिए और रोल नंबर के जरिए आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ ओनली 126 स्टूडेंट ही क्वालिफाइड हो चुका है, इसमें एग्जाम देने वाले बहुत होता है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल ओवर द इंडिया में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और उसमें से सिर्फ 126 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि हमेशा ही हर ईयर में 126 को ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, और इस एग्जाम में जो सिलेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट होता है, तो उन स्टूडेंट्स का नाम जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो भी 126 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो चुका है उनका नाम इस लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो जो सबसे हाइएस्ट जो परसेंटेज लाया है वो 81% लाया, और जो अनरिजर्वड कैटेगरी का जो कट ऑफ जो गया है वो कट ऑफ गया है वो 67 पे गया, ठीक है, 67 पे अनरिजर्वड का जो ओपन वालों का कट ऑफ गया है इस बार। जो भी 45 स्टूडेंट्स जो है यहां तक 1 से लेके 46 स्टूडेंट तक ओपन कैटेगरी में आ रहा है, ये सारे स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब ओबीसी का जो कट ऑफ हो रहा है, कट ऑफ किस पे हो रहा है, ओबीसी कैटेगरी वालों का 60 पे, ओबीसी कैटेगरी का 60% पे कट ऑफ हो गया था इस बार, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वालों का। एससी का 53 पे कट ऑफ गया है, एससी का 53 पे कट ऑफ गया है, ठीक है, एससी का, और एसटी वालों का कट ऑफ जो है एसटी वालों का 50 पे कट ऑफ गया है, ये भी आपको याद रखना है, कट ऑफ इस पे हुआ था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 60.80 पे कट ऑफ गया था, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होता है उनका कट ऑफ जो है 50 पे गया था, ठीक है। ये लिस्ट जो है उन स्टूडेंट्स का है जो सोशल साइंस में जीआरएफ जो है एग्जाम क्वालिफाइड किया है, इसमें सिर्फ ओनली 8 स्टूडेंट्स को, आप समझ लीजिए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया सोशल स्टूडेंट्स में, तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट होंगे। अलीश लाइफ साइंस की तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी आईसीएमआर जीआरएफ के एग्जाम क्रैक किया है, और इस लिस्ट में आप लोगों का नाम मेंशन हुआ है, जिस जो भी स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुआ है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो फाइनल ईयर की डिग्री होता है उसको सबमिट करना होता है, ठीक है, एनटीए को सबमिट करना होता है, फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों को अवार्ड लेटर इशू किया जाएगा, और उस अवार्ड लेटर को यूज करके आप बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो सकते हो और हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अलीश लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो हेल्थ इश्यूज होने की वजह से लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हम लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंसर बायोलॉजी के रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।